अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब। तो आज का हमारा लेक्चर है वो ये है कि हम डिलीट क्वेरी या डिलीट स्टेटमेंट को एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के अंदर कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि डिलीट स्टेटमेंट होती क्या है। तो डिलीट स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि हम डेटा को डिलीट करने के लिए इसे यूज करते हैं। किसी भी टेबल के अंदर हम कोई भी डेटा वगैरह यूज को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसके लिए डिलीट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली हम कैसे काम करते हैं इसके के साथ। मेरे पास एक टेबल है, टेबल के अंदर डेटा मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ अगर इधर से मैं कोई रो या फिर पूरे टेबल का डेटा अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो वो कैसे करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये क्वेरी। सबसे पहले तो आपको इसका सिंटैक्स समझना है। इसके लिए हम डिलीट, सबसे पहले डिलीट कीवर्ड यूज करते हैं और उसके बाद जिस टेबल से हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट फ्रॉम, यानी कि आप किस टेबल से डिलीट करना चाहते हैं। इसमें मेरे पास है कस्टमर टेबल, तो मैं कस्टमर टेबल से डिलीट करना चाहता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप सिर्फ इतनी क्यूरी रन करेंगे तो आपका पूरे का पूरे टेबल का ये सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैं इस टाइम पूरा टेबल का डाटा को डिलीट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कोई एक रो का डाटा डिलीट हो। तो मैं कैसे करूँगा, वो सिंपल है। उसके बाद आपने इसके अंदर वेयर क्लॉज यानी कि कंडीशन लगा देनी है कि सिर्फ हमारा ये वाली रो जो है वो फैक्ट। तो मेरे पास इसके लिए मेरे पास कोई यूनिक कॉलम होना चाहिए। जैसे मेरे पास इधर यूनिक कॉलम है आईडी, यूनिक कॉलम में कैसे पता चलेगा, डिजाइन में जाके आप देख सकते हैं। देखो इसके ऊपर हमने प्राइमरी की इंप्लीमेंट की हुई है। जब प्राइमरी की लग जाती है तो ये मेरा एक यूनिक है, या फिर हम यूनिक कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, यूनिक की भी यूज कर सकते हैं डेटा को यूनिक बनाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले फील्ड को आईडी, अब मैं जिस फील्ड को डिलीट करना चाहता हूँ उसको डिफाइन करूंगा। मैं फोन नंबर वाली, तो इधर मैंने उस आईडी दे दी है। जब मैं आईडी दे दूँ उसके बाद अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे ये सक्सेसफुली, यानी कि वन रो इफेक्ट, हमारी एक रो इफेक्ट हुई है और क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है सक्सेसफुली। तो ये देखते हैं, इस टेबल को रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो ये देखिए हमारी पूरी रो डिलीट हो गई है। तो ये था कि हम टेबल के अंदर डाटा को कैसे डिलीट करते हैं एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मजीद वीडियो और लेक्चर्स मिल सकें और न्यू अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।